ध्यान नहीं दे रहे हैं वो, नहीं नहीं दे रहा है। रोड ब्रेकर से 15 रोड ब्रेकर काम दे रहा है प्रशासन। बार यहाँ केबिन मिला है ना, इतना बार केबिन मिला है यहाँ। जब जब यहाँ पर प्रशासन प्रशासन का केबिन आता है तब तक यहाँ मर्डर होता है। जिला प्रशासन से आप क्या कहिएगा, क्या इसके लिए जो बच्चे को रौंद दिया ट्रक, कैसे रौंदा की ये पूरा स्पीड से उधर से जा रहा था। ये कोतवाली चौक पर मौजूद है, ये बांका जिला में पड़ता है कोतवाली चौक पर। और यहाँ पर देखिए ये जो नज़ारा देख रहे हैं ट्रक वाला, ये अभी एक मात्र 10-11 साल का युवक है जिसको एकदम कुचल करके निकल गया है। तो यहाँ पर इस प्रकार का घटना बराबर बताया जा रहा है आम पब्लिक के द्वारा कि होते रहता था, कि क्यों होता है आइए जानते हैं भैया। क्यों होता है, नहीं कहीं लोकेशन है, नहीं कहीं ब्रेकर है, ऑनर फोनर में गाड़ी बनाता है उसको ये अभी पता नहीं किधर लेफ्ट देना है राइट देना है, और उतनी स्पीड में होती है उसको कैसे बताने वाला जो है। यानी कि इस जगह तीन बटिया है, तीन बटिया है, तीन तरफ रोड है, कोई लोकेशन नहीं है, पांच तरह का रोड मिला है जी। आखिर कितना मतलब पहले भी इस तरह का घटना हुआ, कई एक बार हो चुका है। इससे पहले क्या घटना हुआ था, ये 8 महीने में होता रहता है, साल एक साल पहले हुआ है यही पर इसी जगह। आप लोग क्या मतलब कि किस वजह से होता है आप लोग कुछ बताइएगा। बस वजह तो एक ही है, यहाँ प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है, इस ओर प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि ये घटना को रोका जा सकता है। मोर चाहिए, गोल चक्कर गोलंबर बनाया जाए राइट के लिए, दूसरा ब्रेकर आगे ब्रेकर चाहिए जी। तब वहाँ फिर एक बोर्ड लगा मारना चाहिए आगे धीमे चलो एंट्री। यहाँ पर एक ट्रैफिक पुलिस की आवश्यकता है, एकदम जरूरी है, जरूरी है। आवश्यकता क्या, ज्यादातर ट्रक चलता है, 90% ट्रक चल रही है और उतनी स्पीड में चल रही है जिसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है। इसके क्या मतलब ट्रक का चलाने का कोई स्पीड लिमिट पर काम का किया जा रहा है, प्रशासन ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं है, एक पैसा ध्यान नहीं है प्रशासन, प्रशासन की कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन का देखिए कैंप लगी हुई है, क्या कोई ध्यान है, सामने में देखिए कैंप लगी हुई है। जब ये एक्सीडेंट हुआ उस समय कितना की रफ्तार में था, अंदाजा लगभग कुछ लगा सकते हैं 50-60 के स्पीड में। बोलिए आप नहीं थे घर में, हम नहीं गेहूँ काटने गए थे, बच्चा किधर के जा रहा था, बच्चा स्कूल ही जाता था, आज जाता था, ट्यूशन जा रहा था, ट्यूशन जा रहा था। आपका क्या नाम है, सिकंदर कुमार। घर कहाँ है, घर कोतवाली पावनियार, बच्चा था बाबू घर में, घर में मेडल रहा बरमार लगा दे जो बच्चा, घर में मेडल रहा बरमार लगा दे जब रहा बच्चा, सब चीज़ों फर्स्ट करना जानते हो बाबू, गाँव चलो हमारा घर और चिराग खत्म हो गए बाबू, हमारा घर और चिराग खत्म हो गए हो। अरे चीज में बेटा ये दिन में एंट्री चाहिए, रात में होते रहता है, तो होते रहता है, क्यों होता है, क्या वजह है, क्यों होता है इसका, इसमें किसकी गलती है, आप किसकी गलती देख रहे हैं, जिला प्रशासन की गलती है, भूल के बोलिए जिला प्रशासन की गलती है। आखिर इस पर आखिर ड्राइवर खलासी तो रोड पे चलता है, ये किसका काम है ये सब देख रहे की कौन, प्रशासन जिला जिला प्रशासन की गलती है भैया। आप तो शुरू बोल दिए जिला प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, हुआ है ट्रक घुस गया था अंदर जी, ध्यान नहीं दे रहे हैं वो, नहीं नहीं दे रहा है रोड ब्रेकर से 15 रोड ब्रेकर काम दे रहा है प्रशासन, ध्यान नहीं दे रहा है व्यवस्था पर, कुछ नहीं विधि व्यवस्था देख रहा है, रात दिन गाड़ी चलता है, कुछ अभी जो कि चुनाव का माहौल है अभी तो एकदम पूरा नियम टाइट होना चाहिए, कुछ नहीं टाइट है, नियम को टाइट नहीं है, कुछ टाइट क्या है बताइए, क्योंकि ये सलाह टाइट नहीं, जितना बार यहाँ केबिन मिला है ना, इतना बार केबिन मिला है यहाँ, जब जब यहाँ पर प्रशासन का केबिन आता है तब तक यहाँ मर्डर होता है, या तो पुलिस का हो या तो किसी का हो, यानी व्यक्ति का होते रहता है, एक्सीडेंट हो कुछ घटना होते रहता है, ब्रेकर चाहिए तीनों रोड में, एंट्री भी चाहिए, एक भी ब्रेकर चाहिए, नो एंट्री भी चाहिए।
चाहिए, इंटरव्यू चाहिए। जिला प्रशासन से आप क्या कहिएगा, क्या इसके लिए जिला प्रशासन करेगा, कौन करेगा ये, हम लोग क्या बताएंगे? आखिर दो जिला के बीच दिन में नो एंट्री चाहिए, दिन में नो एंट्री चाहिए। ये जो टूटा है भैया, ये कब टूटा था? ये 10 दिन पहले की बात है टूटा। ये क्या था, कैसे टूटा? यात्री के लिए बैठने के लिए जैसे चौपाल टाइप का ना था, जी ये ट्रक आया सुबह का घटना था जी। ये कौन सा लोकेशन है, ये कहाँ पे है, कौन सा जगह है? ये कोतवाली जगह है, चौक में चौक। यहाँ पर आज जो ये घटना हुआ है, जो बच्चे को रौंद दिया ट्रक, कैसे रौंदा? ये पूरा स्पीड से उधर से जा रहा था, ये बच्चा इधर से जा रहा था साइड से, जी और ये जो पूरा स्पीड से आया उधर से 60 के स्पीड में था, संभाल नहीं पाया उसको इधर उधर, जी। देखिए ये वाला नज़ारा जो है, ये पब्लिक के द्वारा दिखाया जा रहा है कि ये भी देखिए कुछ दिन पहले यही चौक, 15 दिन पहले की बात है, ये कोतवाली चौक का ही लोकेशन है। देखिए आप यहाँ पर कोतवाली, ये भागलपुर मोड़ है, यहाँ से आप गोराडी के लिए जा रहे हैं और ये हम अभी मौजूद हैं कोतवाली चौक पर। यहीं पर ये घटना भी हुई है, जो कि अभी वही 10-12 साल का बच्चा है, बिल्कुल रौंद करके ट्रक चढ़ा करके पार कर गया है क्या भैया? कौन सावल निकालता है ये? ट्रक वाला सब निकालता है। स्पीड कम करने के लिए कहते हैं, क्या कहता है ट्रक वाला? सावल निकाल देता है मारने के लिए, मारेगा तुमको। हाँ, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है? कार्रवाई नहीं हो रहा है। कभी प्रशासन से कम्प्लेन किया कि ना, इसकी शिकायत की है? तो देखिए रहा प्रशासन के, देखिए पहले 10 दिन पहले वहाँ की एक बैठक की गिरा दिया ट्रक ने, सीधा घुसा दिया।